चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। अगली खबर रायपुर से हमें मिल रही है। खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, पुलिस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन। सीएम भूपेश बघेल समापन समारोह में शामिल होंगे। पुलिस स्पोर्ट्स मीट की तर्ज पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पीटीएस रायपुर में समापन समारोह पर्व होगा। पुलिस और बटालियन के जवान अधिकारी भी इस समापन के समारोह में शामिल होंगे। जो खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी उसका समापन होना है। समापन समारोह में पुलिस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन होना है, तो इस अवसर पर कई अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही जो है सीएम भूपेश बघेल भी समापन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। 15 फरवरी यानी आज छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होने जा रहा है और शाम को जो है 4:30 बजे पीटी ग्राउंड पर आयोजन होगा समापन समारोह का, और इस समापन समारोह में सभी लोग शामिल होंगे। रायपुर से खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, आज जो है खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह होना है, कितने बजे जो है इस समारोह की शुरुआत हो जाएगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या कुछ खास इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में रहने वाला है, विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स मीट की तर्ज पर पहली बार छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग शाम के 4:30 बजे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसमें पीटीएस माना कैंप में मुख्य समापन समारोह जो है वह आयोजित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसमें बतौर विशेष अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय शामिल होंगे। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स की तर्ज पर ये खेल छत्तीसगढ़ स्तरीय खेलकूद का आयोजन पुलिस के लिए किया गया है। इसमें स्थानीय खेलकूद को बढ़ावा देने के अलावा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के 2 खेलों रस्साकसी और गिड़ी दौड़ को भी शामिल किया गया है। इसमें प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सभी जिले की पुलिस बल और सभी बटालियन के जवान जो है वो इसमें हिस्सा लिए हैं। अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, जिसका समापन समारोह आज 4:30 बजे पीटीएस माना में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, जो है मुख्यमंत्री और अन्य लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 फरवरी यानी आज छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। समारोह का आयोजन बुधवार 15 फरवरी यानी कि आज शाम को 4:30 बजे होने जा रहा है। और इसी के साथ अति विशेष अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी शामिल होंगे। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से। निकाय महापौरों अध्यक्षों से सीधा संवाद होगा, सीएम भूपेश बघेल सीधा संवाद स्थापित करेंगे। गौरव समागम अर्बन अवार्ड्स में शामिल होने वाले हैं। निकाय महापौर के अध्यक्ष से इस दौरान सीधा संवाद स्थापित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। ज्यादा जानकारी के साथ नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, निकाय महापौर अध्यक्षों से सीधा संवाद करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ यहाँ पर जो है चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात होगी और सीधा संवाद जो है यहाँ पर करने वाले हैं, तो कब जो है ये संवाद स्थापित करेंगे सीएम भूपेश बघेल? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज जो है
प्रदेश भर के नगरीय निकाय के महापौर अध्यक्षों के साथ सीधे रूबरू होने वाले हैं। गौरव समागम 2023 का अर्बन प्राइड अवार्ड्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके जरिए सीधा जो नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष है उनसे सीधे रूबरू होंगे, उनसे मुखातिब होंगे, क्योंकि एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम उनके लिए जो है आयोजित किया गया है। इसमें फ्लैगशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन को उत्कृष्ट करने वाले नगरीय निकायों के सम्मान भी यहाँ किया जाएगा। लगातार जिस तरह से प्रदेश में राज्य सरकार काम कर रही है नगरीय निकाय और को लेकर के, तो उसको किस तरह से सुदृढ़ बढ़ाना है, क्या कमी है, किस तरह से बेहतर काम करना है, इसके अलावा तमाम तरह की नगरीय निकाय, नगरीय परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत अध्यक्ष भी इसमें जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जो है 4 साल के विकास कार्यों की बखान भी यहां पर जो है वो किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंडियन अर्बन हाउस कॉन्क्लेव राजकोट में घोषित छत्तीसगढ़ के 3 हितग्रहियों को भी सम्मानित यहां पर किया जाएगा। तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद का को यहां सम्मानित किया जाएगा। वहीं सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय निकाय के अध्यक्षों, महापौर, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारियों से सीधे संवाद होंगे, रूबरू होंगे और 4 साल के कार्यकाल की जहां उपलब्धि बताएंगे, वहीं सरकार के योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसको दूर किस तरह से करना है, किस तरह से जो है मिलकर काम करना है और वार्ड से प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, इस ओर जो है प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। पूनम जी, नदीम बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो निकाय महापौर अध्यक्षों से सीधा संवाद स्थापित करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। गौरव समागम अर्बन अवार्ड्स में भी शामिल होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों का यहां पर सम्मान किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर, रायपुर से कांग्रेस महाधिवेशन की समितियां बनी हैं। मंत्रियों को महाधिवेशन का जिम्मा यहां पर सौंपा जा रहा है, जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नवा रायपुर में टेंट सिटी तैयार हो रही है, विभूतियों के नाम पर पांडालों के नाम रहेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस महाधिवेशन की समितियां बनी हैं, मंत्रियों को महाधिवेशन का जिम्मा सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ नवीन लगातार नदीम बने हुए हैं। नदीम, कांग्रेस महाधिवेशन की समितियां बनी हैं, मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी सौंप दी गई, किस तरीके से जो है ये पूरा महाधिवेशन किया जाएगा और इसके लिए कितनी समितियां यहाँ पर बनाई गई, कौन कौन से मंत्रियों को अभी तक जिम्मेदारी मिल गई है? देखिए, कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर के जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है वो छत्तीसगढ़ आकर के दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, इसकी विहत जो है वो तैयारी की। वहीं जो है नए रायपुर में टेंट सिटी बनाया जाएगा, जहां पर कार्यक्रम होना है वहां लेकर के तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां समिति के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। मंत्रियों को अलग अलग जो है वो समितियों की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। कांग्रेस के 85 अधिवेशन के लिए जहाँ टेंट जो बनाया जाएगा उसमें छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के नाम पर वो टेंट हाउस का जो है वो स्थल का जो है नाम रखा जाएगा। जिस तरह से मीटिंग स्थल जहाँ पर मीटिंग होगा उसको स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के नाम से जो है वो किया जाएगा, वही अधिवेशन स्थल को शहीद वीर नारायण स्थल के नाम से वो नामांकित किया जाएगा। वही मीडिया हाउस का जो नाम है नाम जो है उसका चंदूलाल चंद्राकर के नाम से जो नामकरण होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो अलग अलग समितियां बनाई गई है उसमें समन्वय समिति की खुद जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के हाथों है, वही मेडिकल समिति की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के हाथों है, खाद्य समिति की जिम्मेदारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हाथ में है, आवासीय मंत्री आवासीय समिति की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर सी दहरिया को दी गई है, सोवियनियर समिति गुरु रुद्र के हाथ है, वही प्रदर्शनी समिति अनिल भेड़िया के जिम्मेदारी मिली है, प्रचार प्रसार समिति में प्रेम साहित्य काम है, वही संस्कृति समिति में उमेश पटेल है, सज्जा समिति में जो है जैसी अग्रवाल, पंडाल समिति कवासी लखमा एवं परिवहन समिति में जो है मोहम्मद अकबर को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो तैयारियां जोरों पर है, तमाम मंत्रियों को अलग जिम्मेदारी दी गई, इनके साथ लोगों को अटैच भी किया गया है। पूनम
जी शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित गौरव समागम 2023 अर्बन प्राइड अवार्ड्स का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यक्रम में नगरीय निकायों के महापौरों और अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मान किया जाएगा नगरीय निकायों का। इस एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट काम करने वाले नगरीय निकायों का सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले।